तो गाइस आज के वीडियो में हमारे पास में है डिजिटेक की तरफ से आने वाले ट्राइपॉड जिसका मॉडल नंबर है DTR550LW और ये मैंने Amazon से परचेज किया है। कीमत की बात करें तो लगभग 1500 रुपए का पड़ा है और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बेसिकली मैं हर चीज पहले चेक कर लेता हूं आजकल ताकि आप लोगों को दिखाते हुए कोई रायता ना फैल जाए। तो यहां पे हाँ मैंने इसकी टेप तो काट दी है लेकिन बॉक्स से निकलेगा तो अनबॉक्सिंग इसको कहेंगे ना। तो यहां पे इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और जैसे ही बॉक्स को ओपन करेंगे ठहरो एक मिनट, बॉक्स को भी ऐसे रहने देते हैं, पहले कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप चाहो तो इनको रोक करके पढ़ सकते हो। वेल इतना कुछ खास मुझे तो नहीं लगता है, वही है कितना वेट कैरी करेगा, कितनी हाइट होगी, कौन कौन से फीचर है, कैसे कैसे घूमेगा। और दूसरी साइड में भी आपको वही फीचर दे सकते हैं, देख सकते हैं कि वही चीज़ें आपको दी हुई हैं कि हाँ क्या क्या है, मतलब दोनों साइडों में आपको फीचर मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ बिल है तो वो मत देखना क्योंकि उस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। और अब इसके बॉक्स को पकड़ते हैं और आबरा का डाबरा ये निकला हमारा ट्राइपॉड। तो इस बॉक्स को यहाँ रख लेते हैं और इसके बाद में बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक रैपिंग, रैप को भी अलग रख लेते हैं। एंड इसके बाद में अंदर मिलता है हमें बैग। बैग की क्वालिटी सही बताऊं तो डिसेंट सी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा। पहले मैंने पहला वाला ट्राइपॉड खरीदा था उसका एकदम लद्दड़ क्वालिटी का था, मैंने उसको भी अच्छा बता दिया कि जानकारी नहीं थी, तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इससे अच्छे भी आते हैं, लेकिन हाँ ये भी कुछ कम नहीं है किसी से। इसके बाद में अब इसकी चेन को हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद में तो भाई ये उल्टा है, मतलब उल्टा पैदा हो। तो इसके अंदर ट्राइपॉड आपको मिलता है उल्टा, तो बैग को भी नीचे रख लेते हैं और एक और हमें रैपिंग मिल जाती है। चलो जी इस रैपिंग को भी निकाल लेते हैं। तो भाई दुनिया भर की पन्नियाँ ही पन्नियाँ इसके अंदर भरी हुई हैं और ये कुछ इस तरह का हमारा ट्राइपॉड है। तो पहले मैं बॉक्स वगैरह हटा दूँ, आपको टेबल पर रख के इसको दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो भाई ये है हमारा ट्राइपॉड और हाँ एक चीज बहुत ध्यान दे रहे होगे, ये मेरी चड्डी पे। तो ज्यादातर जितने भी टेक क्रिएटर्स होते हैं सब कच्चे में वीडियो बनाते हैं, इतनी गर्मी में आपको पजामा पहन के थोड़ी ना मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वैसे करते हैं। और जितने वीडियोस अभी तक आपने देखे होंगे वो ज्यादातर कच्चे में ही मैंने बनाए। आप अपने ट्राइपॉड पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, अगर कच्चे से अड़ गई हो तो यहाँ पे इसको आप लूज करके पहले तो थोड़ा ऊपर कर सकते हो। कमाल की बात, इस ट्राइपॉड के अंदर में तीन टांगे मिल जाती है जो कि हर ट्राइपॉड के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिकली ट्राइपॉड है जिसके अंदर एक अच्छी चीज मुझे क्या लगी है, इसके अंदर आपको हैंडल मिलता है, मतलब हाँ जैसे वर्ल्ड कप वाली फीलिंग लेते हैं ना वैसी फीलिंग आप इसके साथ में ले सकते हो, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हो। इसके वेट की बात करते हैं तो इसका अपना जो वेट है 1.2 kg है और ये क्लेम करता है कि मैं आपके 5 किलो तक की चीज को उठा लूंगा आराम से। इसकी खुद की हाइट की बात करते हैं तो 5.57 फीट है पूरा खुलने के बाद। अभी तो ये बहुत छोटा सा है, मेरे ख्याल से 1.5 या 2 फीट का सहारा होगा, तो अभी उतनी हाइट इसकी नहीं है। और बेसिकली इसको पूरा खोल के एक बार देख ही लेते हैं। तो यहाँ से मुझे टेबल हटाना पड़ेगा ज़रा। तो ये हमारा कुछ ट्राइपॉड, अब पहले इसकी लेग्स को ओपन कर लेते हैं एक एक करके। तो भाई ये दूसरे वाले को भी कर ही लेते हैं, किसका इंतज़ार करना है। तो हाँ और ये थर्ड वाली को भी, और इनकी क्वालिटी मैं नोटिस कर रहा हूँ खोलते हुए काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब मेरा जो पुराना वाला ट्राइपॉड था वो तो एकदम कांप जाता था, इतनी हल्की हल्की उसकी क्लिप थी, और ये वाला कुछ एकदम स्टडी वाली फील मुझे दे रहा है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके तो अभी आप देख सकते हो इसकी हाइट, मैंने इसको खोल लिया, इसकी जो लेग्स है नीचे की काफी ज्यादा, देखो मुझे सही क्वालिटी की लग रही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप झूल पाओगे क्योंकि 5 किलो तक का वजन ही उठाएगा, आपका वजन उठाने की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ अगर मेरी हाइट की बात करते हैं तो 5 feet 9 inch मेरी हाइट है और अभी आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कितना खुला है। तो हाँ इतने पे आराम से अगर मैं अपनी फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ जो अक्सर इस चैनल से आपको मिलती है वो बड़े आराम से शूट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिलेगा, इसको आपको थोड़ा सा मतलब ढीला कर लेना है। इसके बाद में यहाँ आपको मिलेगा एक हैंडल, तो ये हैंडल अभी मतलब थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हैं सही घूम पाएगा, क्या पुराने वाले की आदत है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे घुमाने में उसके आगे। और ओ भाई रुक जाना, तो अभी आप देख सकते हो कितना हो गया, तो लगभग मेरे बराबर हो गया ये, तो 5 feet और 9-10 inch का आप इसको मान सकते हो क्योंकि मेरे बराबर ये मेरी लगभग 9-10 inch के आसपास हाइट है। तो इतने लंबे तक आप इसको कर सकते हो, इसमें अपने फोटो वीडियो जो भी आपको लेंगे इसके साथ में वो ले सकते हो। बाय द वे इसको वापस छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, पहले इसको ढीला करना है और नहीं भाई साहब पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे इसको खुला तो एक बार ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ना ऐसा नहीं होने वाला, एकदम अच्छे से इसको करना पड़ेगा पूरे इज्जत के साथ। तो ये मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, बार बार नीचे आ रहा है,
तो अभी मैंने इसको पूरा बंद कर लिया। बंद करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको मिल जाता है यहाँ पे पैन हेड, और इसके लिए आपको इधर में स्क्रू मिल जाता है। तो इसको आप टाइट करोगे तो ये घूमना बंद हो जाएगा, अभी पूरा टाइट नहीं है। तो आप इसको रिमूव करोगे तो 360 आप इसको घुमा सकते हो। मान लो आपको पैन शॉट्स ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई नजारा है, आपको इधर पहाड़ आ रहे हैं, नदी आ रही है, पेड़ आ रहे हैं, तो हाँ आप इस पे आराम से अपना कैमरा लगाओ और इस तरह से घुमा करके पूरा फोटो आप कैप्चर कर सकते हो। दूसरा, आप इसे नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे भी कैप्चर कर सकते हो। ये भी मुझे इसका मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है। दूसरा, आप इस पे अपना मोबाइल लगाना चाहते हो तो इसकी जो क्विक रिलीज प्लेट है ये आप रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके ऊपर चाहो तो आप अपने मोबाइल का माउंट लगा सकते हो। आपके पास में कोई ब्लॉगिंग कैमरा है GoPro टाइप का तो उसका माउंट लगा सकते हो। और अगर आपके पास में DSLR है, जो कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ DSLR से, वो दरअसल दूसरे ट्राइपॉड पे है, तो हाँ यहाँ पे आप अपना DSLR भी लगा सकते हो। और साथ ही आपको साइड में मिल जाता है यहाँ पे एक बबल लेवल, मतलब आप देख सकते हो कि आपका ट्राइपॉड कहाँ पे सीधा है। तो अभी ये बबल सेंटर में, इसका मतलब यहाँ पे ट्राइपॉड सीधा है, और आपने यहाँ किया हुआ है इसका मतलब भैया आपके ट्राइपॉड में कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। इसके अलावा एक एडिशनल चीज आपको क्या मिलती है, ये वाला आप देख रहे हो ना, इसको जैसे ही आप यूज करोगे तो इसके बाद में आप अपने ट्राइपॉड को इस तरह से कर सकते हो और यहाँ पे अपने कैमरा को लगा करके वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। वो होता है ना टिकटॉक वाला या रील्स वाला, प्यारी प्यारी दो किया, तो वो वीडियो आप यहाँ पे लगा करके शूट कर सकते हो। और बाय द वे ये फीचर इस वाले ट्राइपॉड के अंदर है, लेकिन जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके मुकाबले और हैवी ट्राइपॉड है, वो 15 किलो तक वजन उठा सकता है, ये वाला सिर्फ 5 किलो तक उठा सकता है, उसके अंदर ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलता। अब देखो एक और एडिशनल फीचर की बात करते हैं जो आपको अक्सर अच्छे ट्राइपॉड में ही मिलता है, किसी भी ऐसे मतलब गए उसे ट्राइपॉड के अंदर तो देखने को नहीं मिलता, वो है इसका यहाँ पे ये वाला पार्ट। अभी एक स्क्रू की तरह से काम करता है, जब आप इसको लूज रखोगे तो आपका ट्राइपॉड इस तरह से बंद हो सकता है। अब आप चाहोगे कि अचानक से या किसी कारण से आपका ट्राइपॉड बंद ना हो जाए और आपका फोन कैमरा जो भी पे लगा दो डैमेज ना हो जाए, तो इसको आप यहाँ थोड़ा सा टाइट करोगे, इसके बाद में आप देख सकते हो आपका जो ट्राइपॉड है वो पूरी तरह से टाइट हो गया। अब आप इसको बंद नहीं कर सकते, आप इसको वापस से लूज करोगे, इसके बाद में आप अपने ट्राइपॉड को बंद कर पाओगे। और अगर इसके हेड की क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एक तो होता है ट्राइपॉड हमारा फ्लूइड वाला, जिसमें चीजें मक्खन चलती हैं, आप उसको जबरदस्ती ऐसे नहीं भगा सकते, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो मतलब बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। तो ये कई लोगों के लिए तो बेनिफिट हो सकता है, कई लोगों के लिए चीज थोड़ी सी बुरी हो सकती है, लेकिन बजट ट्राइपॉड जितने भी होते हैं 1200, 1300, 1500, 1600 के आसपास, उसमें आपको यही फीचर देखने को मिलते हैं। इससे अच्छा अगर आपको लेना है, जो कि अभी वीडियो शूट करने में मेरा लगा हुआ है, उस ट्राइपॉड की बात करते हैं, वो फ्लूइड वाला है, उसकी कीमत लगभग 3,500-3,000 रुपए के आसपास होती है, ये 1500 में आपको मिल जाता है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब मैं अपना काम दूसरे ट्राइपॉड से कर ही रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। तो दरअसल वो ट्राइपॉड पर्सनली मेरा नहीं है, मैं उसको अभी यूज कर रहा हूँ और ये मैंने यूज करने के लिए मंगाया था। लेकिन सच कहूं तो ये मोबाइल के लिए ठीक है, अगर आपके पास में कोई लाइट कैमरा है, पॉइंट एंड शूट कैमरा, तो उसके लिए नो डाउट बहुत अच्छा ट्राइपॉड मुझे लगा है। जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी इसकी प्राइसिंग है, और जैसी इसमें हमें मजबूती मिलती है, इवन ये वाला हैंडल आप देख रहे हो ना, ये उस वाले ट्राइपॉड में भी नहीं है जो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो हाँ, अगर आप कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा मोबाइल फोन के हिसाब से ट्राइपॉड चाहते हो अच्छी क्वालिटी का, तो ये ट्राइपॉड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर आपका काम इससे नहीं चलता, आपका कैमरा थोड़ा हैवी है, आपको और मजबूत ट्राइपॉड चाहिए, मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, मेरा कैमरा कहीं जाए ना, एकदम सेफ रखा रहे, तो आप इससे और हैवी ट्राइपॉड पे जा सकते हो। बाय द वे, जब मैं अपने वीडियोस फोन से शूट करता था तब मेरे पास में ये वाला ट्राइपॉड नहीं था, वो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने रखा हुआ है। तो ये वो ट्राइपॉड है जिसको मैं इस्तेमाल करता था। और सच बताऊं तो अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं ट्राइपॉड के यूज में, लगभग हर वीडियो की बात कर रहा हूं, वो हमने इसी ट्राइपॉड से बनाए हैं। और लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था, Fortron STD 450 मेरे ख्याल से 800 रुपए के आसपास इसकी कीमत थी, और आई थिंक मुझे दिवाली ऑफर में 600 या 650 रुपए में ट्राइपॉड मिला था। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, हर चीज अच्छी हो सकती है। मैं यहाँ तक इस ट्राइपॉड के बाद आया हूँ और आज इस ट्राइपॉड ने मुझे इतनी पावर दी कि मैं इसको खरीद सकता हूँ, इवन जो वहां पे लग रहा है उसको भी खरीद सकता हूँ। और देखो भाई, अभी मैंने ट्राइपॉड को उठा लिया है और इसके नीचे आपको एक एडिशनल चीज और दिखा दूं, ये आपको हुक मिलता है। तो हुक का क्या फायदा, आपने कहीं ट्राइपॉड को रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे जगह इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है कि मेरा फोन गिर सकता है या मेरा कैमरा गिर सकता है, तो इस पे आप ना सैंड बैग या फिर कोई भी भारी चीज टांग सकते हो, मतलब इतनी भारी मत टांगना पूरा ट्राइपॉड नीचे आ जाए, 1-2 किलो 1.5 किलो तक की आप इसको कोई चीज टांग सकते हो, आपका जो ट्राइपॉड है वो और ज्यादा स्टडी हो जाएगा, उसको और सपोर्ट मिल जाएगी और स्टेबल वो आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा।
तो बस यही था इस ट्राइपॉड के रिव्यू में। उम्मीद करता हूँ जो जो चीजें आपको जाननी थी वो सारे मैं इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ। इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, कितनी प्राइसिंग और किन लोगों को लेना चाहिए उनको मैं बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो नॉर्मल फोन पे फोटोग्राफी करने, कोई छोटा कैमरा आपके पास में गोप्रो टाइप का उसको आप चाहते हो, तो हाँ ये ट्राइपॉड आपके लिए बेस्ट है। ज्यादा पैसे खर्च करने का आपका कोई भी सवाल नहीं बनता और वो एक बेवकूफी होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में पैसे, आप चाहते हो कि नहीं एक ही बार चीज लेनी है, बाद में कल को मैं बड़ा कैमरा भी ले सकता हूँ, तो आप और अच्छा ट्राइपॉड ले सकते हो। मेरे हिसाब से ट्राइपॉड बेस्ट है, बट मैं इस पे कैरी ऑन नहीं करने वाला, ऐसा मेरा मन है। मैं बड़ा वाला ही एक और ट्राइपॉड लेने वाला हूँ, मे बी उसका रिव्यू भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। और डिजिटेक के बारे में बता दो, डिजिटेक काफी अच्छा ब्रांड है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये चीज आपको बता दो। उन्होंने मुझे भेजा नहीं, मैंने खुद ने खरीदा था अमेज़न से, लेकिन ट्राइपॉड अच्छा है तो इसको मैं बुरा नहीं बताऊंगा। आप इसको खरीद सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता आने वाले किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ चैनल पर तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।